कर अपने राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी राजन राजधानी देख ले अपनी हे आत्मा शांति। आज हमारे लिए बहुत 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 विशेष दिन है ना, विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे पास हमारे विष्णु बहन पिट्सबर्ग से खास आए हैं, पिट्सबर्ग से, जो भगवान ने उनको वहां सेवा के लिए निमित्त बनाया है। वैसे तो हमारे विष्णु बहन 25 साल से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन आपकी आप उसकी शक्ल को देखेंगे तो आप कहेंगे 25-40 बोल दे, है ना। हमारे विष्णु बहन की शक्ल एकदम ज्ञानी योगी धारणा स्वरूप है, जैसे उसका नाम है ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा और हमारे परम आदरणीय हेमा बहन जी और हमारे वैशाली बहन जी को विशेष विशेष दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप जैसे सभी महान आत्माओं के सामने मुझे भी ये जो स्नेह मिलन का जो चांस मिला इसके लिए मैं आप सभी को भी दिल से धन्यवाद करते हुए तो फिर एक बार ओम शांति करते आज का जो टॉपिक है इस पर जाऊंगी। तो आज का टॉपिक है अंतर्मुखी सदा सुखी। और हम जो यही सुनते आए हैं अंतर्मुखी सदा सुखी बाहर मुखी सदा दुखी। तो अब हम जब इन आंखों से देखते हैं बाहर तो हम रावण के बन जाते हैं। जब हम तीसर नेत्र से अपने खुद को अंदर जाकर देखते हैं तब फिर अंतर्मुखी बनने से हमारा मन बुद्धि उस परम पिता बाबा के साथ लगती है तो फिर हम खजानों के मालिक बन सदा सुखी बन सकते हैं। इसलिए आज भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मुरली में यही कहा कि शुरू में सार में ही बाबा ने हमको बताया कि बच्चे आत्मा अभिमानी बनने के प्रैक्टिस करो। तो अंतर्मुखी ही क्या है कि अंदर की गुफा में जाकर आत्मा चिंतन करना, खुद को देखना, उस गुफा में रहना। जब कोई गुफा के अंदर रहता है तो बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती है ना, कि दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। इसी तरह जब हम अपने अंदर जाकर खुद को देखते हैं तो फिर बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती है। इसीलिए इसमें आज बाबा ने कहा जितना आप आत्मा अभिमानी बनने के प्रैक्टिस करोगे उतना ही बाबा के साथ लव बढ़ेगा या प्यार बढ़ेगा। तो हम इसके लिए तीन बात जो दादी जानकी भी बार बार हम सभी को बाबा के बच्चों को यही याद दिलाती थी
कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो अंतर्मुखी का मतलब है कि वास्तव में अपने आप को पहचानना। जैसे कि अष्ट शक्ति की पहले में ही जो अष्ट शक्ति का पहला नंबर वन क्या है, विस्तार को संकर करने की शक्ति या पावर टू विड्रॉ। तो ये विड्रॉ कर्मेंद्रियों से हम कब कर सकते हैं, जब हम अंतर्मुखी बनते हैं। जैसे कछुए को दिखाया है ना कि वो जब कोई प्रकार की संकट आती है या कुछ हो जाता है तो सिकुड़ के अपने अंदर जाता है। इसी तरह हम भी इस रावण से बचने के लिए या बाहर की कोई भी चीजों से बचने के लिए सर्वप्रथम हमको अंदर जाकर आत्मा अभिमानी बनना है। दूसरा, ऊपर जाकर बाबा के साथ कनेक्शन करना है तभी हमको बाहर आना है या तभी हम कर्म में आना है। ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अंतर्मुखी बनने से ही हम सभी विकर्मों से भी बच जाते हैं। ये आखा बाबा कहते हैं, बच्चे बुरे न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, बुरा न सोचो, बुरा न करो। ये सभी बुरा न करना, न देखना, माना जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं या बाहर मुखी बनते हैं तभी ये सब हो जाती है। जब हम अंतर्मुखी जाते हैं तो हमारी अंतर जाकर जब हम खुद को देखने लगते हैं तब फिर क्या होता है कि हम हमारे सोच भी, इसमें पांच बेनिफिट होती है जब हम अंतर्मुखी बन जाते हैं। तो पहला बेनिफिट हमको क्या होता है कि जब हम अंतर्मुखी बनते हैं या आत्मा अभिमानी बन जाते हैं, जब हमारे मन बुद्धि संस्कार के, अभी अभी हमने जो गीत में भी सुना कि हम आत्मा मालिक है, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों की, जब आत्मा अंतर्मुखी बनती है तब मालिक बन सकती है, तब हम अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हो सकती है। तो जब हम अंतर्मुखी बनते हैं पांच बेनिफिट्स होती है। पहला बेनिफिट है कि जब हम अंतर्मुखी बनते हैं तो हम इस दुनिया से बैराग ला सकते हैं। बेहद, बाबा कहते हैं ना, बेहद के बैरागी बनो। तब बाबा ने परसों भी मुरली में कहा था, बेहद के बैरागी बनो तभी आप अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो हम अंतर्मुखी बनने से ही क्या होता है, बेहद का बैराग हो जाता है। बेहद का बैराग होना माना हमारे सच्चा अनुराग या प्यार किसके साथ जुड़ता है, बाबा के साथ जुड़ता है, तब हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जब हम अंतर्मुखी बनते हैं तो हमेशा हम स्वदर्शन चक्रधारी रह सकते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना क्या है कि हम अपना भाग्य का गीत गा सकते हैं कि वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। तो ये जो हम गीत गाकर खुशी में आ सकते हैं जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो तीसरा बेनिफिट क्या होता है जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, तो तीसरा बेनिफिट है कि हम स्वचिंतन में लगे रहते हैं और परचिंतन से मुक्त हो जाते हैं। जब हम परचिंतन से मुक्त होते हैं, स्वचिंतन में रहते हैं, तो बाबा यही कहता है, बच्चे स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन क्या है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन पतन का जड़ है। तो इसीलिए हमारी उन्नति जितनी होगी उतना हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाएगी। इसीलिए
तो तीसरा बेनिफिट ये हो जाता है, जब हम अंतर्मुखी रहते हैं तो फिर क्या होता है कि हम एकांत बासी बन एक के अंत में खोने के लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे होता है ना समुद्र में, जब समुद्र में जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना हम गहराई में जाकर उस गहराई में हीरे मोती सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर ऊपर रहेंगे तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर जब हम समुद्र के ऊपर रहते हैं तो क्या होती है कि जैसे मछली है ना समुद्र के ऊपर आती है तो वो जाल बिछाने वाले बिछाते हैं और वो मछली को पकड़ लेता है, लेकिन वो मछली जितना गहराई पर जाएगी उतना सेफ रहेगी। इसी तरह हम भी एकांतवासी बन, अंतर्मुखी बन, उस एक के याद में खो जाते हैं, उस गहराई में जाते हैं, तो हम माया से सेफ रह सकते हैं। तो जो है तो अंतर्मुखी बनने से बहुत सारी बेनिफिट है। तो हमने शास्त्र में भी सुना है ना कि जैसे कि अर्जुन को सभी द्रोणाचार्य जो गुरुजी था तो उसने तो सभी जो भी शिष्याए थे उनको उसने जैसे कि एक वृक्ष पर वो एक चिड़िया थी और उस चिड़िया को उसने जो है ना तो आंख के जो वो पुतली देखनी थी तो उसको शूट करना था, तो उसने एक एक को बुलाते गए कि आप क्या देखते हो। तो एक ने बोला कि हाँ मैं तो वृक्ष भी देखता हूँ और फिर चिड़िया भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। और फिर उसको छोड़ के फिर दूसरों को बुलाया, आप क्या देखते हो इसमें। तो उसने बोला कि हाँ मैं पत्ते देख रहा हूँ, चिड़िया देख रहा हूँ, चिड़िया के आंखें देख रहा हूँ। और फिर तीसरा को बुलाया और फिर पूछा आप क्या देखते हो। तो उसने बोला कि हाँ मैं चिड़िया को देख रहा हूँ। तो लास्ट में अर्जुन का टर्न आया, तो अर्जुन को पूछा गया आप क्या देखते हो इसमें, तो उसने बोला मैं कुछ नहीं देखता हूँ, सिर्फ मैं आँख के जो अंदर के जो वो पीपल है या उस आँख के वो जो पुतली है उसको ही मैं देखता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि आप शूट करो, तो उसको जो है ना तो वो विजय हो गया। तो इसी तरह हमको भी अंतर्मुखी बनना माना क्या है कि खुद को देखना है और बाबा को देखना है, और किसी को देखना नहीं होता है तब भी हमारी विजय सफलता है, तब हम बाबा ही क्या है सर्व खजाना का चाबी है ना। सर्व प्राप्ति तो बाबा से होती है और किसी से तो होती नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तीन बिंदी लगाओ, क्या क्या लगाओ, तीन बिंदी, जो बीत गई सो ड्रामा, बिंदी लगाओ। तो ड्रामा बिंदी लगाने का मतलब ये है कि कोई भी पास्ट में कोई भी चीजों की भूल हुई या कुछ हुई उससे मुझे कुछ सीखना है, और जो ड्रामा बिंदी लगानी है फुल स्टॉप। और जो आत्मा है वो क्या है, बिंदी है, और जो बाबा है वो कौन है, बिंदी है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना एक सपोज 10 है, 10 है, 10 के ऊपर बिंदी लगाने से कितना होगा, 100 हो जाएगी। फिर बिंदी लगाओ कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। फिर बिंदी लगाओ कितनी हो जाएगी, फिर 10,000 हो जाएगी। इसी तरह हम आत्मा को जितना अंतर्मुखी बनकर जो भी बात हो गई फुल स्टॉप लगाकर आत्मा बिंदी बन अंतर्मुखी की गुफा में जाकर जब हम उस बिंदी बाबा के साथ कनेक्ट होके रहते हैं तो हमारी बहुत कमाई हो जाती है। तो कमाई होना माना क्या है, खुशी बढ़ती है। दुनिया में भी तो जब कमाई करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं ना, जब कमाई नहीं होती है तो क्या होता है,
निराश होके बैठ जाते हैं, तो हमको भी तो बिंदी लगाते लगाते तो अंतर्मुखी के अंदर में जाकर अपने आप को देखकर खुद के और पांचों, मैंने जो चार बताई और पांचों बेनिफिट क्या है कि आत्मा जो है ना अंतर्मुखी बनने से हम आत्मा विश्लेषण कर पाएंगे कि मेरे अंदर जाकर अपने कमजोरी को देख पाएंगे। जब हम बाहर मुखी बनते हैं तो दूसरों की कमजोरी दिखाई देती है, जब हम अंतर्मुखी बनते हैं अपने अंदर जाकर देखते हैं तो अपने अंदर की कमजोरी दिखते हैं, तो उसको हम खत्म करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये अंतर्मुखी बनने से ये पांच बेनिफिट हमको होती है और इससे हमारे जीवन में हम उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे और हमारे पास खुशी बढ़ती रहेगी। इसीलिए कहा गया है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी बनने से फिर क्या होता है कि हमारे जो सूक्ष्म शक्तियां है, मन, बुद्धि, संस्कार, किसी ने कहा है ना, जैसे हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हम तीन साइज के दो साइज के सूटकेस होते हैं और एक छोटे बैग होते हैं ना, तीन, जैसे कि हम जो बड़े बड़े सूटकेस होते हैं वो क्या करते हैं कि चेकिंग में देते हैं और वो हमको जहां स्टेशन होती है वहां जाने के बाद ही मिल जाता है। तो हम प्लेन में चढ़ने के बाद वो नहीं मिलती है, मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो जब हम स्टेशन में पहुंचते हैं तभी प्राप्त होती है। और दूसरा जो हम हैंड कैरी के जो सूटकेस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेन के ऊपर रखते हैं, और जो हम हैंडबैग लेते हैं वो हमारे साथ होता है ना। तो इसको किस तरह से हम भेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम आत्मा जितना अंतर्मुखी रहेंगे तो हमारे मन को हम छोटे से जो है ना हैंडबैग के रूप में भेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में कैसा संकल्प चाहिए, जो संकल्प मुझे बहुत बहुत खुशी देती है और बहुत इंपॉर्टेंट, जो आवश्यक संकल्प है मुझे वही करनी चाहिए ना, जो चाहिए वो ऐसा वैसा संकल्प हम करेंगे। और जैसे कि बैग में आप जो पेपर है जो कुछ आया वही बैग में डालते जाएंगे तो क्या होगा वो बैग, हाँ, हमको वहां जो प्लेन में जाते तो जाने देगा, क्योंकि जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा तो हमको हम ले जा नहीं सकते हैं। इसी तरह हमारे जो मन में बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स है, जो थॉट्स हमारे जीवन को बहुत ऊंची ले जाता है, वही हमको मन में रखना है और कुछ भी नहीं रखनी है। बाबा कहता है ना कि बच्चे प्रेजेंट में रहो, बहुत शांति और खुशी प्राप्त करनी है तो प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहना माना क्या है कि कहते ना पास्ट इज हिस्ट्री, फॉरगेट इट, और फ्यूचर इज मिस्ट्री, और प्रेजेंट इज गिफ्ट गिवन बाय द गॉड। तो बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट माना क्या है कि हम सोल कॉन्शियस होके रहना और आत्मा के साथ गुण है ना उसमें रहना। तब तो हम बाबा को देखते हैं ना, जब मधुबन में बाबा आता है तो बाबा किस रूप में सब बच्चों को देखता है, अब भी जो घटना हुई उस रूप में नहीं देखता है बाबा, पास्ट के रूप में ये बच्चा ऐसा है मैं उस रूप से नहीं देखता है बाबा। प्रेजेंट में रहकर एक एक आत्मा को इतना सुंदर पवित्र आत्मा के रूप में देखकर, इतना बाबा का अच्छा बच्चा देखकर बाबा क्या करता है, उस आत्मा को दृष्टि देकर शक्ति बढ़ता है ना। वो पास्ट में ये बच्चे ने ऐसे करके आया, पास्ट में नहीं देखता है बाबा, और इस बच्चे का फ्यूचर ऐसा है इस तरह से नहीं देखता है बाबा, ऑलवेज इन प्रेजेंट।
इसीलिए बाबा सदा खुश और सदा शांत स्टेबल स्टेज है। तो हमको भी बाबा जैसा बनना है तो प्रेजेंट में रहना होगा। प्रेजेंट में रहना माना सोल कॉन्शियस में रहकर उसके सात गुणों में, उसके सात गुणों के स्वरूप में रहना और सबको उसी हिसाब से सबको देखना और उस हिसाब से सबको तो गुड विशेस एंड गुड फीलिंग्स रखना, जैसे कि हम हमारे प्यारे मीठे बाप दादा रखते हैं। तो इसको कहते हैं सच्चा अंतर्मुखी, क्योंकि अंतर्मुखी माना है क्या है, सोल कॉन्शियसनेस है। बाहरमुखी माना क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस है और बाहर की चीजों को देखना है, उसमें रुचि रखना है। तो अंतर्मुखी वाला बच्चा कभी भी बाहर के चीजों में रुचि नहीं रखते है। वो क्या करते हैं, वो अंदर जाकर उसके संबंध सदा एक के साथ ही रहेगा, तो सर्व संबंध उसके साथ होगा और कोई भी चीज में बाहर कर्म में आना होगा तो भी वो पहले अंतर्मुखी बनेगा, तो बाबा के साथ कनेक्शन करेगा तभी वो बाहर आएगा। तभी वो क्या करेगा, बाहर आएगा। तो इसीलिए तो जैसे मैं बोल रही थी ना, तो हमारे जो छोटी बैग होता है ना, जो हम प्लेन में जाते हैं, तो उस बैग के तरह हमारे मन को बनानी है, कम थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स, जो एकदम ऊंची बाबा की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी खजना होती है, उस खजना को ही हमारे बुद्धि में रखे, उस हिसाब से हमारा संकल्प चले। तो फिर जब वो बुद्धि को हम, जैसे कि वो सूटकेस है ना जो उसमें गया, जो प्लेन के ऊपर में जाती है ना, तो बुद्धि को, हमारे बुद्धि थोड़ा वेट वाला होता है ना वो सूटकेस, हैंडबैग जो हैंड कैरी सूटकेस होता है ना, तो बैग से भी तो थोड़ा वेट वाला होता है। तो हमारे बुद्धि में क्या रखना है, बुद्धि में बाबा की दी हुई गुण और फिर शक्तियां रखनी है। जब हमारे बुद्धि में सारी शक्तियां होगी तभी तो हम कौन सी समय पर कौन सी शक्तियों को यूज करना है, तब हम हमारे बुद्धि एकदम सही बैलेंस के साथ निर्णय दे सकती है और एकदम सत्यता के आदर पर परख सकती है, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, है ना। तो हमारे बुद्धि में क्या रखनी है कि दिव्य गुण और बाबा की दी हुई शक्ति, यही रखना है। और फिर जो सूटकेस होता है ना, जो बड़े बड़े होते हैं, तो वो जो पहले ही चेकिंग हो गया तो हम तो नहीं देख सकते ना उस सूटकेस को, अंटिल एंड अनलेस हम डेस्टिनेशन पर पहुंच ना जाएं, कि देखेंगे बीच में नहीं देख पाएंगे ना, तो वो तो डेस्टिनेशन में ही देख सकते हैं। इसी तरह हमारे जो संस्कार है, ये तो बहुत बड़ा वेयर हाउस है ना, तो इस संस्कार में हमको क्या भरना है, अगर हम तो बीच में नहीं देख पाएंगे, ये तो जब हम धर्मराजपुरी में जाएंगे या दूसरे जन्म लेंगे तभी तो देख पाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे इसमें जो संस्कार में क्या भरना है कि हमारे संकल्प जितनी शुद्ध होगी, जितनी प्योर होगी और बुद्धि में ज्ञान योग का धारणा जो जो शक्ति है और गुणों की धारणा होगी, उस हिसाब से हम कर्म करेंगे तो हमारे सूटकेस में क्या जाएगा, क्या जाएगा, श्रेष्ठ कर्म ही जाएगा ना, कि नहीं जाएगा, हाँ तो श्रेष्ठ कर्म ही जाएगा। तो इसीलिए तो ये जो है ना, तो हमारे मन बुद्धि संस्कार को भी तो आत्मा मालिक बन, इस तरह से हमको हमेशा चेक करना है कि मेरा थॉट्स क्या है, क्या जैसे कि हम बैग में पेपर भी डालते जाओ, कुछ आया वो भी डालते जाओ तो क्या होगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा ना। इसी तरह कोई भी थॉट्स आया आया तो हम सोचते जाएं तो फिर हमारे बुद्धि तो भारी हो जाएगी, सॉरी मन तो भारी हो जाएगा। इसीलिए हमारे मन में कोई भी थॉट्स
जो वेस्ट आती है, नेगेटिव आती है, तुरंत क्या करना है, पॉज चेक। तो बाबा के मुरली के हिसाब से हमारा विचार चले, बाबा के मुरली क्या है, आत्मा के लिए खुराक है ना, तो भोजन है ना, तो हमको ये बाबा की मुरली अंतर्मुखी बनाएगा। तो मुरली के हिसाब से हम चिंतन करते हैं तो ये मुरली हमको अंतर्मुखी बनाता है। अदरवाइज हम कोई भी अपने पुराने संस्कार के हिसाब से थॉट्स आया, विचार आई, तो विचार कहाँ से आता है, विचार कहाँ से आती है, ज्यादा करके तो जो हम हमारी ये नेत्र बाहर मुखी होकर देखते हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन, उससे भी थॉट्स क्रिएट होता है या विचार आती है। और ज्यादा विचार तो जो ऑलरेडी हमने पहले दिया भान में रहकर जो संस्कार बनाया है, उस हिसाब से हमारी विचार आती है ना। तो उस विचार को हम संस्कार के हिसाब से विचार न आए, तो संस्कार के हिसाब से विचार न आने के लिए ही बाबा ने कहा है ज्ञान स्वरूप बनकर रहो। तो ज्ञान स्वरूप बनकर रहने के लिए ही मुझे अंतर्मुखी बनना है, तब हम ज्ञान के हिसाब से मेरा विचार चले। तो यही ज्ञान, तो योग, योग का पावर लेना है ना, यही ज्ञान से वो ज्ञान। आज जैसे कि बाबा ने कहा है बच्चे देह अभिमान आएगा तो मुर्दा बन जाएंगे, आज बाबा ने कहा है ना, मुर्दा बन जाएंगे। और दूसरा बाबा ने क्या कहा, धारणा नहीं होगा आपको, तो हम ये बुद्धि में धारण नहीं कर पाएंगे। तो और बाबा ने फिर तीसरा क्या कहा, विकर्म विनाश भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो है ये क्या है, तो अभिमान मतलब बाहर मुक्ता है। तो जब हम आत्मा अभिमानी या अंतर्मुखी बनते हैं, तो आज भी बाबा ने कहा है ना क्या क्या फायदा होगा अंतर्मुखी बनने से, क्या क्या फायदा होगा, धारणा बहुत अच्छी होगी, विकर्म विनाश होगा, और बाबा के साथ क्या होगा, लव बढ़ेगा। और फिर हम, बाबा ने ये कहा है आप दूसरों को भी रिगार्ड रख सकोगी और अपना भी रिगार्ड बढ़ता जाएगा। ये जो ये भी तो आत्मा अभिमानी बनने से या फिर जो हम अंतर्मुखी बनने से ये सारी हो जाएगी ना। और जो बाबा कहता है इसीलिए हम जितना हो सके सारे दिन अपनी चेकिंग अंतर्मुखी की गुफा में जाकर अपना खुद का चेकिंग करते रहे कि वास्तव में मैं आत्मा कैसी हूं और मुझे बाबा जैसा बनना है। तो हम जितना अपने अंदर जाकर खुद को देखेंगे तभी हम परिवर्तन कर पाएंगे। तो हम जो है ना, तो जैसे एक वो कहानी, छोटा सा कहानी मैं बताना चाहती हूँ। जैसे एक जो है ना बहुत साहूकार एक भाई था, बहुत साहूकार, एकदम करोड़पति था वो ना, उसका चार बच्चा था, सब बेटे, करोड़पति था। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं ना, तो अब मुझे सब कुछ समेटना है और मुझे अब जो है ना असली कमाई करनी है। उसके मन में ये संकल्प आया, तो उसने जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, तो वो है ना, तो चार भाग में वो हिस्सा लगाया है ना, बड़े वाला बेटा, थर्ड फोर्थ, ऐसे करके सभी को उसने हिस्सा कर दिया। और वो एक सबसे छोटे बेटे के साथ रहने लगा। तो किसी कोई आकर उसको इंटरव्यू करने, जो है ना इंटरव्यू के लिए कोई आया और उनसे पूछा कि आपके कितना बेटा है, तो बोलता है मेरा एक बेटा है, मेरा एक ही बेटा है। अब फिर उसके मन में, उसको तो पता था कि उसका चार बेटा है, लेकिन वो बोलता है एक ही बेटा है, तो कोई गड़बड़ी है उसके मन में तो लगता है। फिर उसने पूछा आपका संपत्ति कितने हैं, उसने बोला कि ऐसे तो मेरा संपत्ति बहुत था, करोड़ के अंदाज में होंगे, लेकिन वास्तव में मेरे संपत्ति कुछ लाख ही है।
उसने बोला। तो फिर उसने पूछा फिर कि आपके जो है ना कितनी एज है, आयु कितनी है। तो भाई बोलता है मेरे 20 बरस का आयु है। वास्तव में उसका शरीर का एज था 80 बरस का। तो फिर उस जो प्रश्न पूछने वाला था ना, उसको उसके मन में आया कुछ तो गड़बड़ी है, ये तो सही नहीं बता रहा है। तो उसने पूछा, देखो आप तो बूढ़े लगते हो, फिर आप बोलते हो 20 बरस की आयु है, और फिर आप इतनी करोड़पति के मालिक है, बोलते हो कुछ लाख मेरे पास है, क्या है ये, तो कुछ गड़बड़ी है। उसने बोला मैंने जो कहा है ना सही कहा, क्योंकि जो मेरे बहुत मेरे मन इधर उधर था, बहुत बाहर मुक्त में था, तो या मेरे बहुत संपत्ति था, लेकिन ये जो मैंने सब कुछ समेट के जो है ना हिस्सा कर दिया, सभी बच्चों को दे दिया, तो अब मेरा कुछ नहीं रहा। लेकिन जिस दिन से मैंने दान पुण्य करना शुरू कर दिया ना, मैं अंदर जाकर अपने आप को देखने लगा, और फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपने हाथ से करूं, अपने खुद को देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं अपने पुण्य करना शुरू कर दूं, तब जो है ना तो तब ये कुछ लाख ही हो गया है। तो उसने अपने को देखना शुरू किया, तो फिर अपने कर्म श्रेष्ठ करना शुरू कर दिया, तो दान करना शुरू कर दिया, तो उसका संपत्ति कितना हुआ, कुछ लाख, है ना। तो फिर उसने बोला कि अरे आप तो बोल रहा है एक एक बेटा है, आपको तो 4 बेटे हैं। तो उसने बोला या क्योंकि मैंने जिस दिन से संपत्ति दिया, तो अब मेरे ना मैं अंतर्मुखी बाहरमुखी होकर उन्हों को नहीं देखता हूं, क्योंकि वो अपने अपने कर रहे हैं, अपने अपने सब व्यवस्थित है, या ठीक है एक बेटा मेरे साथ है, उसके साथ मेरा लेना देना है, और तो या मेरे एक बेटा है। तो फिर बोला कि देखो आपके आयु तो देखने में आप इतने बूढ़े लगते हो, बुर्जुक हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप 20 बरस के हो। तो उसने बोला देखो जब मैं 20 बरस जब अभी मैंने इसीलिए 20 बरस कहा, 20 बरस से मैं खुद को देखकर मैंने ऐसा अपने आप पर ध्यान देकर अपने श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं बहुत मेरा मन बुद्धि भटक रहा था, मैं एकदम पैसा के चक्कर में, इसके चक्कर में मैं बाहर देखता था, अपने खुद को नहीं देखता था, इसीलिए मेरा एज अभी 20 बरस का है ना। तो हमको भी देखना है कि मैं कितने समय सारे दिन, आज भी बाबा ने कहा है ना, जब हम आत्म अभिमानी रहते हैं तो वो बच्चा समझता है कि मैं कितना समय अपने खुद को आत्म अभिमानी अंतर्मुखी बनकर हम बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा के याद से ही तो हमारे विकर्म विनाश होगा। तो अंतर्मुखी बनकर बाबा के पास जाने से ही तो हम आत्मा के जो भी पुराने हिसाब किताब है या आत्मा के विकर्म है उसको हम चुक्त कर पाएंगे। बाबा के याद के बगैर तो हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो अंतर्मुखी सदा सुखी होने के लिए वास्तव में हर वक्त अपने खुद को देखना है, कि अपने आप को अवेयरनेस में लाना है, ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस समय बैठ रही हूं, मैं आत्मा इस समय खा रही हूं, किसके साथ, बाबा के साथ। जितना हम बाबा के साथ रहते हैं उतना ही तो कमाई जमा होगा, उतना ही तो खुशी बढ़ती है, क्योंकि बाबा ही तो सब कुछ का सागर है ना। बाबा ही ज्ञान का सागर है, बाबा ही सुख का सागर है, और जितने हम उसके साथ कनेक्ट होकर हम निमित्त भाव से कर्म करते हैं,
तो उस हिसाब से ही हमारी कमाई होती है, तो जमा होती है, और जितनी कमाई होगी उतनी खुशी होगी, है ना। खुशी होती है, और कमाई नहीं होगी तो खुशी नहीं होगी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी और सदा सुखी रहो। और फिर है ना दूसरा, तो जैसे कि अंतर्मुखी होने से ही, अंतर्मुखी बनकर तभी हम दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देख सकते हैं। जब हम बाहर मुक्त में रहेंगे तो दूसरी की कमजोरी दिखाई देंगे, तो हम अपने को आत्मा अभिमानी होकर परमात्मा के याद में रहेंगे, और उस हिसाब से दूसरों को भी परमात्मा के संतान, ये भी पवित्र आत्मा है, तो उस अंतर्मुखी होकर उस आत्मा को देखते हैं, तभी अंतर्मुखी बनने से ही हम दूसरों का आत्मा देखते हैं। तो बाहर मुखी होने से हम दूसरों का आत्मा नहीं देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में बच्चे, तुम हमेशा अपने आप को यही सोचो कि मैं अंतर्मुखी, या बाबा यही शब्द को विभिन्न भाषा में, कितने बाबा कभी कहता है अशरीरी बन जाओ, बाबा कभी कहता है कि आत्मा अभिमानी बन जाओ, बाबा कभी कहता है कि देही अभिमानी बन जाओ, बाबा कभी कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी होकर रहो, है ना, अंतर्मुखी बनकर रहो। तो अंतर्मुखी बनने से हम तीसरे नेत्र से देखते हैं, बाहर मुखी बनने से ये आंख से देखते हैं ना। तो हम जितने समय, तो बाबा कहते हैं ना अंतर्मुखी बनने से ही हम संपूर्णता की ओर जाना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि अंतर्मुखी बनने से हम अपने गुणों को भी देख पाएंगे, शक्तियों को भी चेक कर पाएंगे, कमी कमजोरियों को भी छोड़ने के लिए हम इतना इजी हो जाएगा, और फिर हमारा संबंध बाबा से जुटी रहने के कारण तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना, कोई भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना, तो सफल होती रहेगी। तो सफल होना माना क्या है कि खजाना जमा होगा, तो खजाना जमा होने से क्या होता है, तो खुशी बढ़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना अंतर्मुखी सदा सुखी, तब हम सुखी होते हैं। तो एक्चुअली तो सारी, जैसे कि बाबा ने एक बार मुरली में, अव्यक्त वाणी में, ज्यादा तो समय नहीं हुई है, चार भाग्य की बातें बाबा ने बताया था, तन मन धन की भाग्य, है ना, मन की भाग्य क्या है। तो ये अंतर्मुखी बनने से ही तो हम मन के भाग्य बना सकते हैं ना। मन का भाग्य क्या है, बाबा ने कहा है मन का भाग्य जब दाता विधाता वरदाता बाबा जब राजी हो जाता है, तब हमारे मन ज्ञान से, गुणों से, शक्ति से भरपूर होती है। जब हमारा मन ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होता है, तो हमारे आकर्षण बाहर की चीजों में, वस्तु में, व्यक्ति में आकर्षित नहीं होती है। जब वस्तु व्यक्ति में हमारा मन आकर्षित नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा मन सदा खुश रहेगा, है ना, क्योंकि प्राप्ति है वहां। प्राप्ति होने के कारण मन खुशी में नाचता रहेगा, मन एक काम प्रफुल्लित होती रहेगी, क्योंकि हम अंतर्मुखी है ना, अंतर्मुखी बनने से ये होगा। और फिर बाबा ने ये कहा है मन मना भव, मन हो जाएगा। और जो एक बाबा दूसरों ना कोई इस संबंध में रहता है, उसको ही कहते हैं मन की भाग्य, है ना। जा हम चेक कर सकते हैं मेरे मन में कितनी भाग्य है, क्या एक बाबा याद आता है या और भी याद आती है। और याद आना माना तो बाहर मुक्त है, और बाहर मुक्त होने से हमारी कमाई नहीं होती है, एक बाबा में ही कमाई है। इसीलिए तो हम मन का भी बहुत सारे भाग्य बना सकते हैं।
बाबा ने फिर दूसरा भाग्य का वर्णन किया था, तन का भाग्य, है ना। तो तन का भाग्य, जब हम तन अस्वस्थ होते हुए भी, जब तन बिगन है ना, बिगन रूप ना बनकर एकदम हम बाबा को याद कर सके, बाबा की सेवा में हमारा तन लगा सके, उसमें बाबा ने ये कहा है कि कभी भी वो जो है ना शरीर की बीमारी का या कर्म भोग का वर्णन करने वाले वो चिल्लाने वाले हैं। इसका मतलब हम बारमुखी हो गए ना। तो अंतर्मुखी क्या करता है, वो सोल कॉन्शियस होता है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता है। तो सोल कॉन्शियस होने से तो हमारे तन कर्म भोग में नहीं, कर्म योग से अपने हिसाब किताब चुक्त करती है। तो तन से भी वो सारे भाग्य बना लेते हैं, क्योंकि वो अंतर्मुखी होता है या वो आत्मा अभिमानी होने के कारण वो अपना भाग्य भी ऐसे बनाते हैं। तो उसका कर्म भोग होते हुए भी वो खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, रह सकता है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि आत्मा अभिमानी स्टेज में है, शरीर के कर्म भोग में नहीं है ना। तो बाबा ने तीसरा कहा है धन का भी भाग्य ना। तो हम तो धन का बाबा ने कहा है कि धन के लिए भी हम, जैसे कि ब्राह्मणों को करोड़पति या बहुत पैसे वाले को ऐसे धन के भाग्य नहीं कहेंगे, जो हमारे दो रोटी खाने के लिए है, बैठने के लिए है, और जब आवश्यकता हो जाए बाबा के सेवा के लिए, जब हम आवश्यकता में उस सेवा में हमारे जो धन लगे आवश्यकता के समय, तो वो है हमारे ब्राह्मण जीवन का धन का भाग्य। ये भी बाबा ने ये कहा है कि जब आपके पास में इच्छा होगी ना, तो ये आवश्यकता पूर्ता मैं नहीं करता हूं। तो आवश्यकता पूर्ति कब होती है, जब हम अंतर्मुखी होकर अनासक्त इच्छा मात्र अविद्यावन एक के साथ रहते, तभी तो धन का भी भाग्य बनता है। तो धन का भाग्य बनना भी तो खुशी की खजाना मिली गई ना कि नहीं मिली, तो भाग्य होना माना भी तो खुशी है। तो ये सारी कब होती है, जब हम आत्मा अभिमानी रहते या अंतर्मुखी रहते। तो चौथा बाबा ने कहा है कि संबंधों का भाग्य या जन का भाग्य है ना। तो जन का भाग्य भी तभी हम बना सकते, जैसे कि हरेक को हम अंतर्मुखी होकर हरेक आत्मा के प्रति गुड विशेष, बाबा ने कहा है कि जन का भी भाग्य। तो जन का भाग्य माना जब लौकिक अलौकिक जो भी बाबा के बच्चे हैं, जब सहयोगी होते, स्नेही होते, इसका मतलब हम जन का बहुत भाग्यशाली आत्मा है। तो 5% आत्मा जब परीक्षा लेने आती है, तो उस आत्मा को भी बाबा ने कहा है कि आप शुभ भावना शुभ कामना दो और हिसाब किताब चुक्त करो। तो ये शुभ भावना शुभ कामना देकर उस आत्मा के हिसाब किताब चुक्त करने के लिए भी तो अंतर्मुखी स्टेज चाहिए ना कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो अंतर्मुखी होने पे अगर तो हम इस जो स्पिरिचुअल कमाई है वो तो कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए तो ये बाबा ने कहा था। तो ये जो है, तो श्रेष्ठ सोमानधारी बनने के लिए भी तो हमको अंतर्मुखी ही चाहिए। तो अंतर्मुख का स्टेज ही चाहिए। जितना हम अंतर्मुखी बनते हैं, उतना हम सोमान में रह सकते हैं। तो लास्ट संडे की मुरली में भी तो बाबा ने कहा है ना कि बाबा ने तो जैसे कि हरेक बच्चों को, जैसे कि बालक को भी बाबा ने किस रूप में देखा सबको, तो बालक बच्चों को भी बाबा ने
ये तो होनहार विश्व कल्याणकारी आत्माएं है, इस रूप में देखा। तो इसका मतलब बाबा अंतर्मुखी है तभी तो इस रूप में देखा है ना। तो हम भी दूसरों को इस श्रेष्ठ सोमान से तब देख सकते हैं जब हम अंतर्मुखी होते हैं। तो बाहर मुखता में या बॉडी कॉन्शियस में होने से हम अरे को इस श्रेष्ठ सोमान से नहीं देख पाएंगे, है ना। तो बाबा ने ये भी कहा है युवाओं के लिए भी, बाबा ने तो अभी के जो महात्मा ये सब के लिए भी चैलेंज करने वाले इस सोमान में बाबा ने देखा। तो हम भी औरों को इस श्रेष्ठ सोमान से देखने के लिए तो हमको भी तो आत्म अभिमानी स्टेज चाहिए या अंतर्मुखी स्टेज चाहिए ना। तो और फिर बाबा ने कहा है जो बांधली होती है, जो घर से बंधन होता है, तो उसको एकदम बाबा के प्यार में खोने वाली, ऐसे बाबा ने मान आत्माओं के रूप में देखा ना। किसी को भी बाबा ने ये वो तो बुर्जुक वालों को नहीं, बाबा ने अनुभवी रूप में देखा। तो हमको भी इस स्वरूप में सबको देखने के लिए, श्रेष्ठ सोमान में सबको देखने के लिए तो हमको भी क्या चाहिए, ये अंतर्मुखी स्टेज चाहिए। अंदर जाकर खुद को आत्मा देखना है, मैं कि मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, मैं इस भ्रुकुटी के अंदर रहने वाली एक दिव्य सितारा आत्मा हूं, किसके संतान हूं मैं, उस परमात्मा के संतान। बाबा कौन है? बाबा तो है ना विश्व कल्याणकारी, बाबा शांति का सागर, बाबा दया का सागर, मैं उसके बच्चे हूं। तो हम जितना बाबा के साथ हमारा मन बुद्धि का तार जुड़ता है तो उतना ही हमारे अंदर उनकी शक्ति भरती है। इसलिए हमेशा हमको अंतर्मुखी की गुफा में जाकर सदा अपने आप को यही याद दिलाना है। ऐसे नहीं कि सुबह और शाम हमने बाबा के अमृत बेला उठी, योग किया, इतना से नहीं। आज भी बाबा ने कहा है ना, ये तो बहुत मेहनत की बात है, बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत बहुत प्रैक्टिस करो। ये तो बाबा ने कहा है दुनिया वाले सपोज एक डॉक्टर बनना है तो उसको 20 बरस लगेगा, 25 इयर्स भी लग सकता है। ना मेहनत करके इतना बरस में ही तब वो एक डॉक्टर कहलाएगा। हमको तो देवता बनना है तो इजी बात तो नहीं है। हमारे अंदर संस्कार जो वेयर हाउस है ना, जैसे कि आत्मा जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस होती है, तो सब कॉन्शियस माने एक कितना बड़ा वेयर हाउस है, रिसर्च जन्म के वायर हाउस है, वहां क्या क्या भरी हुई है, क्या क्या भरी हुई है ना। तो बीच बीच में संस्कार आ जाती है ना, वो संस्कार माना वो भरी हुई चीज बाहर निकल रही है ना। तो अब जितना हम बाहर में जो हमारे संस्कार दिखाई देती, इसका मतलब मेरे अंदर है वो वायर हाउस में, सब कॉन्शियस माइंड में। तो अब क्या करना है, ये संस्कार मेरे, अब अंतर्मुखी जाकर ही तो उसको रिमूव कर सकेंगे ना कि नहीं सकेंगे, तो नहीं तो कैसे सफा होगा वो वेयर हाउस में, कैसे विकर्म विनाश होगा। तब तो बाबा ने कहा है ना कि इसलिए 90% हम नहीं दिख सकते कि मेरे माइंड में क्या है। जब बाहर निकलती है ना संस्कार के रूप में, तब पता चलता है मेरे पास में ये संस्कार है। जब हम अंतर्मुखी नहीं बनते तो जो आए हुए संस्कार को भी तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे ना कि हाँ मेरे पास में ये संस्कार आया। तो उसको हम चेंज करने के लिए इजी हो जाता है कि हाँ ये भी है मेरे अंदर। अब इसको अंतर्मुखी बनकर जब उस पावर हाउस के साथ मेरा कनेक्शन नहीं होगा, तब तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगी ना, उसको सफा नहीं कर सकूंगी, फिर भी मैं नया नहीं भर पाऊंगी। इसीलिए
प्यारे बाबा ने हमको कहा कि बच्चे अंतर्मुखी बनो। तो अंतर्मुखी बनने से ही मेरी मन बुद्धि बाबा में जाएगी। मन बुद्धि बाबा में जाएगा तो एकदम बाबा की खजाना हमारे अंदर आएगी, तो हम सदा क्या रह सकेंगे, सुखी रह सकेंगे, है ना। तो बहुत सुखी रह सकेंगे, इसीलिए अंतर्मुखी सदा सुखी कहा। तो हम थोड़ा देर मेडिटेशन करें। अच्छा तो हम अच्छा सीधे होके बैठ जाएं, आराम से बैठें। अब हम थोड़ा अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखते हैं। मन बुद्धि को एकदम सभी तरफ से समेट कर ब्रोकुटी के बीच में और फिर उसके अंदर के आसमान में जाकर उस आसमान में दिव्य तारा को बुद्धि से विजुलाइज करें और मन को पवित्र संकल्प दें कि दिव्य पवित्र सितारा में ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति सात गुणों का पुंज हो। एकदम अपने ही ज्योति बिंदु आत्मा को बुद्धि से देखते रहें। मेरे आत्मा से प्रकाश निकल रही है, मन शांत काम क्वाइट हो गया है, बुद्धि स्टेबल, अचल अधोल एकाग्र, शांत मन, एकाग्र बुद्धि का कनेक्शन एकदम पावर हाउस बाबा के साथ जुट गई परम धाम में। बाबा सात गुणों का भंडार है, सोर्स है, पावर हाउस है। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान का लाइट है, पावर हाउस से उनसे एकदम ज्ञान की प्रकाश आ रही है मुझ आत्मा में। पर मेरा मन उस ज्ञान के लाइट से भर गया है, बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि का भी उस ज्ञान के प्रकाश से नाश हो गया। पर मेरे संस्कार ज्ञान स्वरूप बन रही है, मैं आत्मा लाइट ज्ञान के प्रकाश हूं। ये प्रकाश पूरा अब ब्रेन में भी जा रही है, एकदम दिमाग में पूरा ज्ञान की लाइट, पूरा एक एक सेल्स में
पूरा लाइट ही लाइट हो गया। अब ये ज्ञान का लाइट सारी शरीर की कोशिका कोशिका में फैल गई है। पूरा शरीर ही ज्ञान के लाइट से भर गया है। जितने भी ब्रेन में दिमाग में अज्ञान की अंधकार है नष्ट हो गई। एकदम प्रकाश लाइट ही लाइट देखे अपने शरीर को भी। पूरा ज्ञान के लाइट से शरीर भर गए हैं। एकदम इस ज्ञान के लाइट से शरीर के एक एक सेल्स का पालन हो रही है और मन बुद्धि संस्कार भी ज्ञान के लाइट से भर गया। पूरा बाबा से किरणें आते हुए देखें बुद्धि से। अब ये ज्ञान का प्रकाश पूरा आत्मा से निकलकर वायुमंडल में फैल रही है। दूर दूर तक जाकर अज्ञान अंधकार को नष्ट कर रही है। बाबा पवित्रता का सागर है, पवित्रता का पावर हाउस है। मेरे मन बुद्धि इतनी कनेक्ट हो गए, एक्यूरेट कनेक्शन पर पूरा पवित्र किरणें मुझ आत्मा ज्योति पर पड़ रही है। और बाबा के पवित्र किरण पूरा मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन कर रही है। मैं एकदम पवित्र स्वरूप शुद्ध पवित्र आत्मा। अब एकदम ये पवित्र लाइट पावर हाउस से आकर मन को पवित्र कर रही है। पूरा मन में किरणें जाते हुए अनुभव करें और बुद्धि को शुद्ध कर रही है। पूरा बुद्धि पवित्र लाइट से भर गया है, बहुत डिवाइन हो रही है। अब संस्कार में भी पवित्र किरणें जाते हुए देखें। बाबा के पवित्र किरण मन बुद्धि संस्कार को संपूर्ण पावन कर रही है। भावना फीलिंग को पावन कर रही है। एकदम मेरा भावना भाव पवित्र शुद्ध हो गया है। अब ये बाबा के पवित्र किरण मुझ आत्मा से निकल कर पूरा ब्रेन दिमाग पर जा रही है। पूरा दिमाग सफेद लाइट से भर गया, ऐसे अनुभव करें। और जो भी इम्प्यूरिटीज अपवित्र ब्रेन में थी उसका प्रभाव सब कुछ मर्च हो रही है। पूरा पवित्र लाइट अब शरीर के कोशिका कोशिका में फैल गई। पूरा सारा शरीर लाइट के रूप में देखें, पवित्र लाइट। जो भी विकार की बदबू है इसका प्रभाव सब कुछ मर्च होकर पूरा पवित्र खुशबू निकल रही है।
एकता मेरे सारे एक एक कर्मेंद्रिय पवित्र हो रही है। आंखें इतना पवित्र हो गई कि आप इस जूम के गैलरी पर जो भी देखेंगे ब्रह्मकुटि के बीच में रहने वाले तो वो पवित्र लाइट को देखें। इतना मेरे आंखें इतनी पवित्र है, सब पर नजर डाले, अपने घर में पहुंच जाए, आपके घर में जो भी परिवार है एकदम मन के पर्दा में लेकर आए और उनको एक एक ब्रुकुटे के बीच में पवित्र दिव्य लाइट को देखें। मेरी नेत्र इतनी पवित्र सिबिल हो गई कि मैं जिसको भी देखूं अंतर्मुखी होकर उस पवित्र आत्मा को ही देखूं। एकदम अपने घर में जो भी है, चाहे ज्ञान में है नहीं है, सबको पवित्र आत्मा लाइट के रूप में देखें। अब अगर आप जॉब पर जाते हो तो जॉब में जाओ, जॉब में जाकर अपने सारी को वर्कर्स को देखें, एकदम उनके ब्रुकुटी में नजर डालकर सब पर आत्मा पवित्र आत्मा लाइट के रूप में देखें। संकल्प करें उनके लिए, एक एक के लिए, ऐसा पवित्र दिव्य आत्मा लाइट है, पवित्रता के लाइट है। दम एक एक पर नजर डालें। अब जो भी ब्राह्मण परिवार के साथ आप संपर्क में आते हो, एक एक को ब्रुकुटी के बीच में उस दिव्य लाइट को देखते हुए उन सभी मान आत्माओं को भी संकल्प करें सब बाबा के अति पवित्र दिव्य लाइट आत्मा है। मेरा कनेक्शन पावर हाउस बाबा के साथ है, इन सभी पवित्र आत्मा का कनेक्शन भी पावर हाउस बाबा के साथ है, एकदम उनका कनेक्शन भी बाबा के साथ जोड़ दीजिए। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं शांति के लाइट हूं। मुझ आत्मा का मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस बाबा के साथ जुट गई है। बाबा शांति का सागर, शांति के पावर हाउस है, उनसे ब्लू रंग के पूरा ब्लू नीले रंग की पूरा शांति की किरणें मुझ आत्मा ज्योति बिंदु पर पड़ रही है। मेरा मन शांति के लाइट से भर गया, बुद्धि भी शांति की लाइट से भर गई और बुद्धि इतना स्थिर स्टेबल डिवाइन बन गई। मेरा दिल भी शांति की लाइट से भर गया है, मेरा दिल इतना साफ है श्री बाबा की दिव्य खजाना शांति प्रेम भरी हुई है। दिल में श्री बाबा है, कुछ भी नहीं,
और मेरा संस्कार में एकदम शांति की लाइट बढ़ गई है और मेरा संस्कार शांत स्वरूप हो गया है। एकदम डीप अनुभव करें, मेरा संस्कार शांत स्वरूप हो गया है। अब यह शांति की लाइट पूरा ब्रेन में भी दीजिए, पूरा ब्रेन में जाकर ब्रेन शांत तो कूल हो गया है। पूरा ब्लू रंग के लाइट को देखे, अब ये लाइट सारे शरीर के एवरी सेल्स में जल गई है, एकदम मसल्स खून सब में पूरा लाइट ही लाइट हो गया है, शांति की लाइट एकदम सारा कर्मेंद्रिय शांत शीतल हो गया है, सारी चंचलता से मुक्त तो हो गई, बहुत शांत एकदम शांति का अनुभव। सिर्फ इतना ही विजुलाइज करें, बाबा से पूरा शांति की लाइट रेज आ रही है और मुझ आत्मा से सभी जगह जा रही है, ये सभी थॉट्स से भी एकदम कोई थॉट्स नहीं, एकदम जस्ट बुद्धि से देखते रहे अनुभव करें। अब ये शांति की लाइट फैलकर पूरा वायुमंडल में पांच प्रकृति समाई समाग्रहण कर रही है, सारा प्रकृति शांत हो गया है। अब ये वाइब्रेशन दूर दूर तक जाकर एक एक आत्मा के मन चित्त को शांत कर रही है, सबका अशांत मन शांत चित्त शांत हो गया। वो पूरा बाबा से आ रही है और मुझ आत्मा से निकल कर जा रही है। बहुत शांत हो, मन शांत है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मन बुद्धि का तार पावर हाउस सुखों के सागर से जुट गई, पूरा बाबा से पीले रंग के सुख की किरणें मुझ आत्मा ज्योति बिंदु पर पड़ रही है और मेरा मन सुखों से भर गया है। एकदम फील करें मेरे फीलिंग्स में सुख आ रही है, भाव भावना में सुख, पूरा बुद्धि में सुखों के लाइट भर गई है, सुखों का अनुभव बुद्धि कर रही है और संस्कार सुख स्वरूप बन गया है। सबको सुख देना है, सुख लेना है। अब मेरे पूरा ब्रेन में सुखों की लाइट जाकर पूरा शरीर के अंग अंग में भर गई, मेरा जीवन सुख स्वरूप हो गया है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुखों के सागर के साथ
मन बुद्धि का तार है, निरंतर सुखों की लहर आ रही है, बहुत सुख, सुखी सुख। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर के साथ, पावर हाउस के साथ मन बुद्धि का तार जुट गया। प्रेम के ग्रीन कलर के एकदम किरणे मुझ आत्मा दिव्य लाइट पर पड़ रही है, और मेरे मन प्रेम के पूरा पवित्र संकल्पों से भर गया। बुद्धि प्रेम के अनुभव से भर गया है, दिल बाबा के प्रेम से भर गई, मेरा संस्कार प्रेम स्वरूप बन गया है, और मेरा सारा प्रेम में एक प्रेम की किरणें जाकर पूरा प्रेम के लाइट ही लाइट, अंग अंग एक एक सेल्स के प्यार के किरणों से पल रही है, तम शक्ति मिल रही है, प्यार की शक्ति सारा सेल्स को भी, पूरा एक एक अंग अंग को भी, मेरे सारे कर्मेंद्रियों में प्यार के लाइट भर गई है, एक एक कर्मेंद्रियों से कर्मेंद्रिय बहुत स्विच हो रही है, देखना सुनना बोलना करना सोचना बहुत बहुत लवली, ये वाइब्रेशन पांचों प्रकृति ग्रहण कर रही है, और प्रकृति भी बहुत लवली स्विच, पर संसार के एक एक आत्मा के मन चित्त में संस्कार में ये किरणें जाकर एक एक के कड़वाहट को समाप्त कर एकदम आत्मा के सभी के दिल प्रेम से भर रही है, सूर्य प्यार से, सब आत्मा बहुत बाबा के एक एक बच्चे लवली स्वीट बन रहे हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद के सागर के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन है, तार जुट गई, आनंद की किरणें आ रही है, मन आनंद से भर गया, पूरा दिल बुद्धि आनंद के अनुभव से भर गई, संस्कार आनंद स्वरूप बन गया, पूरा सारा शरीर में भी आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद के लाइट से बाबा के आनंद की शक्ति से मेरा एक एक कोशिका का भी पालना हो रही है, और ये सारी संसार में ये किरणें फैल रही है, और एक एक आत्मा को आनंद दे रही है, प्रकृति को आनंद दे रही है, और बाबा सर्वशक्तिमान उनके साथ मन बुद्धि का तार जुट गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, पूरा लाल रंग के पावर एकदम बाबा से आ रही अनुभव करे किरणे,
पर मेरा मन इतना पावरफुल हो रहा है, बाबा की पावर बढ़ गई, बुद्धि में बाबा की इतनी पावर भर गई कि मुझे ज्ञान गुण शक्ति श्रीमत के धारण करना बहुत इजी हो रहा है। और मेरा संस्कार शक्ति स्वरूप बन गया है। ये सारी बाबा की शक्तियां शरीर के एक एक कोशिका को भी पालना दो। पूरा मेरे आंखों से, नैनों से, ब्रुकुटी से सब किरणें, शक्तियों की किरणें निकल, पूरा प्रकृति को भी शक्तिशाली बना रही है। संसार के एक एक शक्तिहीन आत्मा को भी शक्ति दे रही है। सबका कल्याण हो रहा है। मैं अंतर्मुखी सदा सुखी हूं। ओम शांति, ओम शांति।